देखिए दोस्तों, मिस्ट्री के पापा क्या ला रहे हैं। चावल बस एक बोरी, वो दे और है गाड़ी में। सोसाइटी का चावल है, लेके आए हैं। देखिए और भी है, उसको भी लेके आ रहे हैं। या बाहुबली, कितना किलो है? 35 किलो चावल है दोस्तों। और वो शक्कर वगैरह इसी में है? हाँ, शक्कर वक्कर हाँ इसमें है। ये वाला में, बड़ा वाला में दिखाओ। शक्कर और नमक लायो। नमक को भूल गया है। नमक को भूल गए? हाँ, शक्कर ले आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या क्या मिलता है, कितना अच्छा रहता है चावल। ये देखिए चावल और शक्कर, 1 किलो शक्कर और 1 किलो नमक ना जी, जो लेके नहीं आए हो, भूल के आ गए हो। अब वो मिलेगा भी कि नहीं? मिल जाएगा। शक्कर मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। फ्री का मिलता है तो कौन छोड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी पहले से बहुत ठीक हो गई हूँ, बस मेरा गला जो है वो थोड़ा सा दब गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा था मेरे को, और अभी दवाई चल ही रहा है मेरा खांसी का। और अब खांसी पूरा तो ठीक नहीं हुआ है, पर अभी दवाई चल रहा है, 15 दिन का दवाई मिला है मेरे को। तो 15 दिन खाऊंगी तो पूरा ठीक हो जाऊंगी। और वैसे 15 दिन पीछे चला गया, तो 1 महीना लगेगा मेरे को ठीक होने में पूरा। फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर बीमार पड़ूंगी बीच में। वैसे तो होता है। तो अभी देखो मेरा आवाज़ कितना अच्छा है ना जी, अच्छा लगता है ना? आवाज बहुत ज्यादा था, मोटा हो गया था ना। आवाज और ज्यादा मोटा था दोस्तों, आवाज बहुत थोड़ा सा सुधार आया है आवाज की, लेकिन है अभी भी पता चल रहा है आवाज। तो अभी मैं बना रही थी खाना, तो ये लेके आई है सब। और मैं क्या कर रही थी चलिए दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ खाना बना रही थी, और मिश्री के पापा अभी इसको शक्कर को ला के डाले है इसमें, डिब्बा को निकाल के। और मैं यहाँ मटर छिल रही थी, ये शक्कर का है ना, ये शक्कर और बचा है थोड़ा सा। अच्छा, डाल दो, आ जाएगा इसमें, तो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ मटर छिल रही थी दोस्तों, बैठ के इधर खाना बनाते बनाते मटर को छिल रही थी। अरे इतना बचा है मटर थोड़ा सा। और आज मैं क्या बनाई हूँ चलिए दिखाती हूँ। आज मैं ये बनाई हूँ, मशरूम और चना की सब्जी बनाई हूँ, अभी बना है तुरंत, ये देख सकते हैं। और बनाई हूँ मटर पुलाव बनाई हूँ मैं, ये देखिए मटर पुलाव बनाई हूँ आज। दोस्तों, इतना मटर मेरा बचा हुआ है, उसको छील लेती हूँ जल्दी से मैं। बहुत दिन बाद दोस्तों वीडियो बना रही हूँ। मेरे कई फ्रेंड लोग पूछ रहे थे कैसे आजकल वीडियो नहीं बना रही है करके, तो बात ही नहीं कर पा रही थी, तो वीडियो कहाँ से बनाती, चुप चुप तो इन रहती है ना, इसलिए वीडियो भी नहीं बना रही थी। और अच्छा नहीं लगता था, तो बस लेटे रहती थी खांसी के मारे, रात भर नींद नहीं पड़ता था, दिन में भी सो नहीं पाती थी। अब थोड़ा सा ठीक लगा है, 2 दिन हुआ है, वो अलग से दवाई मिला इस बार, डॉक्टर इस बार बहुत अच्छा दवाई दिए हैं, वो खा रही हूँ, तो मैं थोड़ा ठीक हूँ। और पहले से ज़्यादा मोटी भी हो गई हूँ। और ना मैं टेस्ट करवाई हूँ थायराइड का फिर से, मेरे को पहले से ही थायराइड है, तो थायराइड का चेकअप करवाई हूँ फिर से। अभी डॉक्टर बोले कि थायराइड का चेकअप फिर से करवा लो, तो मैं थायराइड का चेकअप करवाई हूँ फिर से। अब उसका रिपोर्ट अभी नहीं आया है, बढ़ा है कि कम है क्या है पता नहीं है। अब रिपोर्ट आएगा 2-3 दिन में आता है दोस्तों। तो 2 दिन परसों गई थी मैं, तो 2 दिन हो गया है, पर कल जाऊंगी फिर से डॉक्टर के पास, तो पता चलेगा कि कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है कि नॉर्मल है क्या है। वैसे तो मैं रेगुलर दवाई खाते रहती हूँ, छोड़ी नहीं हूँ दवाई खाना, तो मैं रेगुलर दवाई खाती हूँ, पर बीच बीच में तबीयत ख़राब होते रहता है, मौसम बिगड़ता है, तो इसीलिए जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ मैं, कि सर्दी जल्दी हो जाता है मेरे को।
और खांसी वासी हो जाता है ना, और एलर्जी भी है तो बहुत जल्दी बीमार पड़ती हूँ, इसीलिए अभी टेस्ट करवाई हूँ। बहुत दिन हो गया नहीं करवाई थी, तो यहाँ से खूब सारा खून को निकाले है मेरा, है ना जी? हंस रहे हो, अभी भी दर्द है हल्का हल्का यहाँ। एक बॉटल खून निकाले हैं, है ना? हाँ, एक बॉटल को निकाल लेते हैं। हंस रहे हो, मेरे को बहुत डर लगता है दोस्तों इंजेक्शन से और सुई से। मैं छोटी थी तब से बहुत डर लगता है, वो दर्द करे चाहे मत करे देख के डर लगता है। आप लोगों को डर लगता है कि नहीं, किसको किसको डर लगता है बताइएगा, आपको लगता है जी? आपको तो नहीं लगता होगा। लगता है तो कैसे मेरे को हंस रहे हो? लेकिन अब जरूरत आ जाता है तो क्या करोगे? जरूरत आ जाता है तो क्या करोगे? एक बार डॉक्टर का बोलते देरी रहता है, टेस्ट करवा लो, फिर हाँ 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 करवा ले बोलते हैं, क्योंकि इनको तो दर्द होना नहीं है, मेरे हाथ से खून निकलेगा ना। अब मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा गला पिपे बैठा हुआ है और अलग ही आवाज़ आ रहा होगा। मेरे को मज़ा भी आ रहा है, ऐसी आवाज़ आ रहा है तो मेरा रियल आवाज़ नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए ऐसे ही बैठा रहे, और थोड़ा थोड़ा रानी मुखर्जी जैसे आ रहा है। रानी मुखर्जी जैसे आवाज बन गया तेरा। ओ, रानी मुखर्जी जैसे हो गया है आवाज मेरा। तो दोस्तों मेरा घर का पूरा काम कंप्लीट कर ली हूँ, मैं भी नहा धो के पूरा रेडी हो गई हूँ। अब मेरे को लग रहा है जोर से भूख, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, पर मैं अभी नहीं खा रही हूँ। मिश्री के पापा बोल के भी गए हैं कि तू नहा वहा के खा लेना, क्योंकि आज मैं नाश्ता नहीं बनाई थी और चाय में मिर्चा डुबा के खाई थी, बस वही खाई थी, और फिर गोली खाना था तो गोली खा ली थी। तो उसके पापा बोले थे कि तू जल्दी से खा लेना, पर मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि कुछ अच्छा बनाया जाता है तो ऐसा लगता है ना कि सब फैमिली के साथ खाए, तो मैं सबके साथ खाऊंगी, भले थोड़ा सा भूख सह लूँगी, क्योंकि एक साथ खाने में अच्छा लगता है, पर मेरी तबीयत बिगड़ जाता है, इसलिए इसके पापा मेरे को चिल्लाते हैं। पर देखती हूँ, रुक सकती हूँ तो रुकूँगी, क्योंकि नहीं खाती हूँ ना तो मैं एकदम ऐसे से हाथ पैर मेरा कांपने लगता है, पर मैं अभी नहीं खा रही हूँ, कुछ कुछ खा के रह जाऊँगी, पर खाना नहीं खाऊँगी, साथ में ही खाएंगे। और अभी बज रहे हैं 1:30, मिश्री के पापा चले गए हैं लेने मिश्री को, अब आते ही होंगे, तब तक थोड़ा देर रुक की जाऊँगी, 10-15 मिनट तो लगेगा, तो मैं रुक जाती हूँ, फिर एक साथ खाएंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैंने अपना बाल कठिन करवा दिए थे, छोटा छोटा करवा दी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा झड़ रहा था दोस्तों, जितना बार कंघी करती थी इतना इतना निकलता था बाल, और ना एकदम पतला दिखने लगा था, तो मैं सोची क्या करूँगी, ऐसा लंबा बाल लेके पतला हो गया था एकदम बहुत ही ज़्यादा, और तबीयत के कारण और झड़ता था मेरा बाल, तो कटवा दी। तो मेरा देख के ना मिश्री बोलती है, मम्मा मेरा भी ऐसे ही छोटा छोटा करवा दो, फिर मैं खुला रखूँगी, और जब उसका काटने लगती हूँ तो बोलती है कि मत काटो, मेरे बाल को छोटा मत करो बोलने लगती है, पर मैं उसका बाल छोटा नहीं करूँगी दोस्तों। मेरे को बहुत शौक़ था पहले से ही कि मेरी बेटी अगर होगी तो मैं उसका बाल लंबा करके रखूँगी, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मेरा छोटा छोटा बाल रहता था, इतना छोटा छोटा सा बाल रहता था, इसलिए मेरे को शौक़ था, पर लंबा बाल ही रखूँगी, और मैं अपने शौक़ से ही रखती हूँ अपनी बेटी का लंबा बाल। और मेरा अब आदत पड़ गया उसको ऐसी देखने का, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, और कंघी वंघी करवाती नहीं है तो डांटती हूँ, बोलती ज़रूर हूँ कि कटवा दूँगी, टकली करवा दूँगी, पर नहीं कर पाऊँगी, मेरे को पता है ऐसा। तो देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 2:30, मिश्री आ गई है 2:15 बजे जैसे आई है, इसका ड्रेस वेस चेंज करवा दी हूँ, अब ये नहाए वहाएगी, नहाई ही नहीं है, सुबह जाती है तो नहा के नहीं भेजती हूँ ना ला के, तब ये नहाएगी, उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे, इसके पापा चले गए नहाने, उसके बाद ये नहाएगी, छोटी सी बच्ची है एकदम है बेचारी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का व्लॉग यही तक रखते हैं, कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।